मीना बाजार जो कि राजीव मेला में लगा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को मीना बाजार की वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अपन पहुँच चुके हैं राजीव मेला के मीना बाजार में, और मीना बाजार का जो माहौल है वो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। बाकी मैं ये देख सकते हो आप लोग, पेठा फल्ली खजूर ये सब मिल रहा है यहाँ पर। और वो झूला यदि आप लोग देख पा रहे होगे तो अभी अपन उधर जाने वाले हैं, अभी अपन अंदर जा रहे हैं। बजाओ ना। और ये देख सकते हो आप लोग, ये राहुल के फिर से मिल गए हैं सब्सक्राइबर। कितना सुंदर लग रहा है यार ये सब। और ये देख सकते हो क्या सुंदर सा फूल, फूलों का वो लगा हुआ है अपना सजावट का सामान। इधर भी वही सब लगा हुआ है। YouTube, ये गॉगल्स बेल्ट्स, और यहाँ निकल रहा है गर्मा गर्म भजिया है क्या यार। बड़ा होटल लगा हुआ है यार यहाँ पर। हाओ ये गुलाब जामुन देख रहे हो, गुलाब जामुन, ये पेठा मिक्सर वगैरह, बैग्स वगैरह, ओ ट्रेज। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। कितना बड़ा बड़ा बैग है यार, बैग देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है। ये हैंड बैग्स है और पीछे लटकाने वाले भी बैग्स हैं। बैग्स के काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कपड़ों का भी स्टॉल लगा हुआ है, कपड़े वगैरह हैं यहाँ पर। यहाँ पर मास्क कवर और ईयरफोन वगैरह मिल रहा है। यहाँ पर कर्टेन वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पर कर्टेन है और चूड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं बॉयज़ के कपड़े भी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जो जो लड़के लोग कमेंट करके बोलते हैं ना कि ये दीदी आप लोग दिखाते नहीं हो, तो ये देख लो यार यहाँ पर बॉयज़ लोग के कपड़े भी अवेलेबल हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से घुस के किधर से निकलूँ मैं। इधर बर्तनों वाले भैया भी है ना, जो बर्तन का दुकान यहीं खोल दिए हैं और कोई ले ही नहीं रहा यार। और ये सब भी ये कप्स वगैरह मिल रहे हैं, ये ट्रेज वगैरह मिल रहे हैं, देख सकते हो यार। ये ना क्राफ्ट मेला भी लगा हुआ है, क्राफ्ट मेला में घुसने की तो बहुत इच्छा है मुझे। क्राफ्ट मेला में एक बार मैं आप लोगों को घुमा देती हूँ अभी। ये देख सकते हो ऐसा कटिंग वाला आइटम रखा हुआ है, ये प्लेट क्रॉकरीज वगैरह रखा हुआ है, लकड़ियों के खिलौने मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर। ये देख सकते हो लकड़ियों के बर्तन और वो एक्यूप्रेशर वाला होता है ना, वो सब भी मिल जाएगा। मेरा फेवरेट सेक्शन इयररिंग्स वाला सेक्शन, वहाँ पर जूती चप्पल भी मिल जाएगा आप लोगों को। और ये पूरा डेकोरेशन वाला आइटम है। क्या हुआ? ये देख सकते हो यार छोटे छोटे बैग्स बड़े प्यारे लग रहे हैं, जूट वाले बैग्स हैं। और ये पूरा आप लोगों के लिए आइटम्स है, चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो आगे चलते हैं। बेडशीट वगैरह भी मिल जाएगा, बेडशीट, पिलो कवर, लोवर। ये बच्चों के लिए गेम्स मिल जाएंगे। ये देख सकते हो यार टी शर्ट वगैरह है बॉयज़ लोगों के लिए, कंघी वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर। ये गर्ल्स के लिए ट्रेडिशनल वियर और टॉप वगैरह भी रखे हुए हैं भैया जो है। भैया ये कितने का, ये ग्रीन वाला? 8.5 कहाँ से आए हो भैया? मैडम कहाँ से आए हो? अहमदाबाद।
अहमदाबाद। ये इयररिंग्स आप लोग देख सकते हो, स्टिकर्स वाला वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को, ये अचार वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। ये सब वो पानियों में रखते हैं ना, जो बड़ा हो जाता है सब फूल जाता है, वो सब है। कॉटन की कुर्तियाँ, लखनवी वर्क है ये। कितने कितने का भैया ये वाइट वाला? 550। ये देख सकते हो आप लोग, लखनवी वाला कुर्ती है ये। इधर फिर से इयररिंग्स वगैरह है। यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो भीड़ है? स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा रहे हैं, 50 रुपये वाला, 50 रुपये का स्क्रीन गार्ड लग रहा है, और भीड़ इतनी ज़्यादा है, खतरनाक भीड़ है। ये सब देख सकते हो आप लोग, ये सब डिज़ाइन बनाने वाला जो होता है उसका सांचा रखे हुए हैं भैया जो है। ये मुखवास वगैरह रखा हुआ है, ये अगरबत्ती, ये रंगोली वाला डिज़ाइन, ये बुलेन के आइटम्स मिल जाएंगे आप लोगों को। कितने का है? 100 का 4 मोजा, बैग्स वगैरह। जूते चप्पल मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। ये हैवी ड्रेसेस मिल जाएंगे, कुर्तियाँ हैं और लहंगे वगैरह है यहाँ पर। साड़ियाँ कहाँ, कौन सी साड़ी है? बनारसी कॉटन साड़ी। कहाँ से आए हो? पश्चिम बंगाल, कोलकाता से आए हैं। ये बेडशीट नहीं, सॉरी, ये सोफ़ा वाला मिल जाएगा आप लोगों को। ये क्रूशिया वाला जो होता है ना, वो मिल जाएगा आप लोगों को। ये बेल्ट्स वगैरह हैं, ये टेबल में जो रखते हैं ना, वो सब है। रुमाल वगैरह है, देख सकते हो। क्रूशिया वाला जो वर्क होता है ना, वो सब चीज़ें हैं, और वो देख सकते हो आप। ऐसे ही आप लोग देख सकते हो, अपन मेला में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से ना आप लोगों को ये झूला दिख रहा होगा, आकाश झूला लगा हुआ है, जिसकी लाइटिंग ना बहुत ही सुंदर है। और ये मेहमान लोग भी आए हुए हैं, सबका टिकट का ना, टिकट का वो भी लिखा हुआ है ना, आप लोग देख लेना झूले का टिकट्स वगैरह क्या है। और यार बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यार, भीड़ भी हर जगह भीड़ है। खाने के स्टॉल को ले लो, ये वाटर वाला एरिया है, वाटर बोटिंग वाला, और ये बहुत ही खतरनाक वाला झूला है, ये आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो, ये गेम्स वाला जो होता है ना, 10 रुपए दो और बॉल से वो करो वाला, वही वाला गेम है ये। और यहाँ पर खाने पीने के आइटम्स मिल रहे हैं बहुत सारे, और ये लोग भी पार्टी कर रहे हैं अभी। और ये झूला देख सकते हो यार आप लोग, झूले में ना मैं कभी बैठती तो नहीं सकती। खाने पीने का भी बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है। ये देख सकते हो आप लोग, ये एरोप्लेन वाला झूला है, ये आकाश झूला है, जो कि काफी बड़ा भी दिख रहा है। बच्चे लोग का है क्या यार ये झूला?
₹50 टिकट है इसका। आप लोग देख सकते हो ये है ऑक्टोपस वाला झूला। ये है मौत का कुआं जहाँ पर अभी अब अपन नहीं जा पा रहे क्योंकि लेट है। देख सकते हो भीड़ और मेरे को ना ये बैग वाला स्टॉल काफी अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसा है क्या है। चलो अपन अभी निकल रहे हैं। अब अपन लोग अभी ये यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये जूते चप्पल के लगे हुए हैं। और इधर ही से शायद अपन आए थे क्या, ज्वेलरी वाला लगा हुआ है। और इधर हेलीकॉप्टर वाला भी झूला है बच्चों वाला, टॉप्स वगैरह मिल रहा है। ये बच्चे लोग का आकाश झूला है, डोरमैट वगैरह भी मिल रहा है इधर पे। भीड़ देख सकते हो यार, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। आई थिंक हम लोग सो गाइस आप लोगों को ये मीना बाजार वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।